चलिए असल दीन दुनिया नॉलेज चैनल में एक बार आपका फिर से स्वागत है अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब्स नहीं किया अभी तक तो ज़रूर कीजिए क्योंकि सब्सक्राइब्स करने से आपको पहला नोटिफिकेशन आएगा और आपको वीडियो सबसे पहले देखने का मौका मिलेगा और आपके इल्म में इजाफा होगा तो आइए शुरू करते हैं आज का पारा नंबर तीन रुको तीसरा अज़बल शैतवान रज़ीम बसमिल्लर क्या तुमने ना देखा था उसे जो इब्राहिम के इब्राहिम से झगड़े इसके रब के बारे में इस पर क्या इसब्राहिम रबी लजमी तो के अल्लाह ने उसे बादशाह ही दी जबकि इब्राहिम ने कहा मेरा रब वो है कि जिलाता और मारता है काला अन बोला मैं जिलाता और मारता हूँ काला इब्राहिम इब्राहिम ने फरमाया तो अल्लाह सूरज को लाता है पूरब से तो इसको पश्चिम से ले आओ तो होश उड़ गए काफिर के वह दिल कौम और अल्लाह राह ने दिखा था औिमर अला करवियत है या उसकी तरह जो गुजरा एक बस्ती पर और वो ढह पड़ी थी अपनी छतों पर काला अन्नी यू ही हाजा बोला ए बोला उसे क्यों कर जिलाएगा अल्लाह इसकी मौत के बाद फामा में आता आमिन बासहु तो अल्लाह ने उसे मुर्दा रखा सौ बरस फिर जिंदा कर दिया काला कम लबिश फरमाया तू यहाँ कितना ठहरा काल लबिश तो योमन अबाद यो अर्स की दिन भर ठहरा होगा या कुछ कम काला बल लबिस्तु में फ़न जो मतिका व शराबी या हूँ फरमाया नहीं बल्कि तुझ्सा बरस गुजर गए और अपने खाने और पानी को देख कि अब तक भू न लाया और अपने गधे को देख जिसकी हड्डियाँ तक सलामत ना रही और अपने गधे को देख जिसकी हड्डियाँ तक सलामत ना रही और ये इसलिए कि तुझे हम लोगों के वास्ते निशानी करे और इन हड्डियों को देख क्यों कर हम उन्हें उठान देते हैं फिर उन्हें गोश्त पनाते हैं फलमा तबैया ना लहू जब यह मामला इस पर जाहिर हो गया काल आलम को लेश इन कदर बोला मैं खूब जानता हूँ कि अल्लाह सब कुछ कर सकता है इस काला इब्राहिम रब भी अरे निकैफिल मोता और जब बस की इब्राहिम ने अरे रब मेरे मुझे दिखा दे तू क्यों कर मुर्दे जिलाएगा काला अवालम तू मिन फरमाया क्या तुझे यकीन नहीं काला बल किल्ले आत्मा अकल भी अर्ज़ की यकीन क्यों नहीं मगर यह चाहता हो कि मेरे दिल को करार आ जाए काला फरब आतरे न फरमा तो अच्छा चार परिंदे लेकर अपने साथ हिला ले फिर इनका एक एक टुकड़ा हर पहाड़ पर रख दे फिर उन्हें बुला वो तेरे पास चले आएंगे पाव से दौड़ते अजीज अज़ीज़ुल हकीम और जान रख के अल्लाह गालिब हकमत वाला है अल्लाह हम सबको कहने सुनने से ज्यादा बल्कि तोहफ़ी क़ा फर्म आमिन अल्लाह मैंने जो कुछ भी तिलावतें की है, इन तिलावतों में मुझसे कोई कोताही या गलती हो तो अल्लाह मुझे बख्श दे और इसका इशारे शवाब हजर सलाम से लेकर हजरत मोहम्मद मुतफ़ा सल्ला तसल्म तक तमाम अम्बी अकराम तमाम उम्मतों को तमाम साहेब अक्राम को तमाम तब तबिन को तमाम बजुर्ग आदिक्राम शहदा कराम को और बिलखसू इसका इसलिए मेरे वालिद हाशिम और मेरी वालिदा मैमुना को और मेरे तमाम मरुमा मरहमिन भाई बहनों मेरे तमाम दोस्बा रिश्तेदार पड़ोसी को इसका इस वर्मा अल्ला हम सबको कहने सुनने से ज्यादा अमल की तोहफ़ी का तफ़रमाएल व